तुम लोग अभी स्मोक बचा के रखना, अभी तुम लोग को देखो नहीं होगा ना, मेरी बात सुनो अभी। कहाँ पे लेफ्ट पे क्या? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये अपना PMWL का मैच है, इसमें जबरदस्त अपन DP भी चला है और कैसा चलाना DP, कब कब क्या प्रॉपर यूसेज करा, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वॉइस ओवर के साथ, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। और हम लोग कैसा एंटर करें, क्या गलतियाँ करें, हम लोग पूरे आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी लाइक ये टाइप की लॉबी, लाइक इतने हाई लेवल की लॉबी, मतलब खतरनाक पोटे खेल रहे ना भाई, पूरे अपने अपने अलग अलग रीजन के खतरनाक आगे वर्ल्ड लीग खेल रहे भाई, वर्ल्ड लीग की लॉबी है। कैसा हम लोग खेलते हैं, हमारा गेम सेंस कैसा लगाते हैं, आप लोगों को देख के आप लोगों को सीखने मिलता। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत जबरदस्त वीडियो है। सो गाइस, दबा के लूट लेके मिलिट्री को पूरा कोपा कोपा छान मार लेके लूट के हम लोग निकले, फिर जोन के लिए निकला हमारा सीधा। हम लोग सिक्स बिल्डिंग पहले डिसाइडेड था, वहाँ जाके रुक के सेकंड जोन का कैसा डिसाइड करना है, वहाँ जाके डिसाइड कर रहे थे। अब देखो कैसा जोन शिफ्ट होता, देखो के पीछे ही है एनिमीज अहेड, संग में करना, रुक ADS देने दे, M249 उठा ले, उठा ले भाई, पूरा M249 देखो, जोन देखो, जोन देख, कोचिंगी के उधर है अपन, लेफ्ट से रुएंस का लेफ्ट से खेल सकते हैं इधर, मैंने M249 नहीं उठा लिया। चल चल उठा ले, जल्दी कर, जल्दी करा, चल। सो गाइस, जैसा आप लोग देखिए, हमारे से हार्ड शिफ्ट हुआ जोन और लेफ्ट साइड से हम लोगों को इजी एंट्री लगी थी, केवल तो TS की टीम का तीन बंदे थे वहीं, वो टीम वहीं से खेलती और 5DB होती थी, हम लोगों की तो 3v4 होती थी, केवल तो स्टार्टिंग में उनका एक पट्टा मर गया था, तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि लेफ्ट से हम लोग जाके फाइट ले सकते। तो यही सब रहता गेम में कि भाई स्टडी करना रहता, कौन सी टीम कहाँ से खेल रही, ऐसी लॉबी आप खेल रहे ना या कोई भी टूर्नामेंट अच्छा आप खेल रहे हैं, तो ऐसे स्टडी करके खेलना पड़ता है कौन सी टीम कहाँ से गिर रही, कहाँ से अपने इजी जोन एंट्री होगी, स्टडी ही काम आती एट दी एंड। अगर जोन आप पे नहीं बनता, आप पे जोन कहीं हार्ड शिफ्ट हो रहा ऑपोजिट साइड, तो आपको मालूम रहना कौन सी टीम कहाँ से मिलने वाली है, क्या है। अब राइट साइड से हम लोग जाते दबा के पुट्टे मिलते थे, इसके लिए हम लोग लेफ्ट से गए, अगर एक स्क्वाड मिली तो आराम से फाइट लेंगे रे भाई और जोन एंट्री मारेंगे। इस हिसाब से ये लेवल का खेलना पड़ता है, इतना स्टडी करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इजीली स्टडी करना, प्लेयर्स को भी नॉलेज रहना। अब जैसा हम लोग मालूम था स्टार्टिंग में खेल फील्ड में देख लेते TS का पुट्टा मर गया, हम लोग क्रेट हाउस कॉल करे, TS लेफ्ट से खेलती ना रहे भाई तो जा सकते बोल के, तो ऐसा समझ रहे ना। अब देखो आगे की गेम जबरदस्त है यहाँ से। सो मैं आगे पत्थर करने रुका स्काउट करने, राइट में एक स्क्वाड दीगी और एक सामने रेज पे स्क्वाड दीगी मेरे को, जो स्मोक करके पुट्टा निकलने वाला था। स्लेयर एक नॉक दे दिया था, एंट्री मिल गई थी, अब यहाँ से फाइट देखो बस। Enemies ahead. Net डालो मैं। Enemies ahead. ये बग गया ही left side से। लो गया। मेरे left में एक। Net आया। Plus god है। Plus. और राइट में जो सिक्स हाउस की साइड में इन्फो ले रहा था स्क्वाड की, वहाँ से बचाने के लिए, तो वहाँ पे तो बंदे थे इन लोगों का गेट कीप करने के लिए, मैं स्मोक करा सामने, वो रिच तक जाके उसका डब्बा लूट लेके उनको देखूंगा। और बाकी लास्ट बंदा जो हमारे जो एंटिटी का था, हम लोगों को मालूम था उन्हें थोड़ा स्प्लिट खेलता, तो अभी स्क्वाड के साथ तो नहीं था, उन्हें थोड़ा स्प्लिट में था, स्पॉटेड था, हम लोग उसके ध्यान छोड़ के राइट में, अगर मैं किल्स निकाल सकती हूँ तो मैं राइट में ध्यान दिया, जोन एंट्री इजी मिल गई थी हमारे को, क्रेटोस जोन एंट्री देख लिया था और दिख रहा भी था हमारे को भी कि जोन इजी है, यहाँ के स्क्वाड मार दिए, अब सीधा सामने ध्यान देना है, ठीक है। तो गाइस हमारे राइट में स्क्वाड थी, उनला भी निकल गए थे, तो सीधा हम लोग जोन में एंट्री मार दिए, तो स्क्वाडर्स की इन्फो लेना था हमारे को लेफ्ट साइड, केवल तो देखो वो जोन में मैप में अगर आप ध्यान देंगे तो, अगर हम लोग यहाँ रिच पे खेले तो वहाँ से एक्सपोज है, हम लोगों को आगे रिच पे जाना था, ऑफकोर्स लेफ्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह तुम एक्सपोज रहते हैं जिस भी साइड से, लेफ्ट हो राइट हो पीछे हो, बैक क्लियर करके बाद में जो एंगल बचते राइट लेफ्ट, वहाँ से जहाँ से भी एक्सपोज है तुम, वहाँ क्लियर करके ही आगे बढ़ना, ऐसे रहता जोन में, एक एक स्टेप एक एक करके आगे बढ़ना रहता। अब ट्रांस बैक देख ले रहा था मैं मैप पे, देखा ट्रांस बैक देख रहा था, मैं आगे निकल गया था, क्यों तो स्क्वाडोस क्लियर था और क्रेटोस को बोल दिया था हमें निकलते टाइम भी कि भाई स्क्वाडोस से कवर दे, अगर कोई भी कैंपर एम्पर रहता तो जरा देख समझ के, उन्होंने कवर दे रहा था, तो मैं स्पॉट पे, मेरे स्पॉट पे हाई ग्राउंड पे पहुंच गया था। अब यहां से गेम देखो, फुट गए,
मैं देख रहा लेफ्ट तेरा स्क्वाड हाउस तो अब ये दोनों पुट्टों को एक एक एचपी छोड़ाता हमें। अब मैं क्या कर रहा था, अब हर जगह से सेम पोजीशन से बार बार नहीं मारना, चेंज होते रहना, ये ध्यान रखना। आप एंगल जितने क्रिएट करेंगे उतना अच्छा है, लाइक छोटे जोन में कम क्रिएट करो, बाकी पोजीशन चेंज करते रहो, सेम पोजीशन से बार बार पिक मत। अब मैं थोड़ा हाई ग्राउंड लेके वहाँ देखने की कोशिश करा, पर मेरी गाड़ी को शॉट आए। अब एंड जोन में गाड़ी बचाना बहुत जरूरी है, तो मैं सीधा गाड़ी रिवर्स मारा, जहाँ गाड़ी थी वहीं आया और वहीं से खेलना स्टार्ट करा। तो अबे थोड़ा इन्फो उनको रेंडर हो रही थी गाड़ी, उन्हें मार रहे थे, जो खेलने नहीं बोला देखो, इन्फो कलेक्ट करने बोल रहा भाई, लेफ्ट ले थोड़ा बस, ये डिब्बे नीचे सामने ले, रुकू ना, देख उधर है रोदा खेल में, जोन मेरे पे बोल रहा भाई, इसलिए अब रुको तुम दोनों, तो लास्ट में आना तुम लोग, लास्ट में आना तुम, ठीक है ठीक है, और स्मोक डाल रहा हूँ मेरे पास, तो मैं किया वो, अबे डिप्स है ना, एक ही कर रहे हो, एक गाड़ी लेके जाओ, दोनों में से एक गाड़ी लेके जाओ। तो हमारे पीछे से जो स्क्वाड एंटर करना चाह रही थी जोन के अंदर, तो ट्रांस देख लेता बोला, तो जैसा स्लेयर का कॉल आया कि गाड़ी लेके क्रेट हाउस पे जाओ, तो उस चक्कर में मैं निकल गया और ट्रांस बैग देख लेता बोला, तो मैं बैग उसको देखने दिया। अब यहां देखो तुम क्या खतरनाक जहर बच गया तुम्हारा भाई, ओपन में फाइट ले रहे स्नैक्स 105 एनिमीज है यहां पर, नॉक हुआ क्या, मैं गिर गया, मेरे को नहीं रेंडर कर रहे, तू तू मत देख रहा है उधर, तू छोड़ ना, एक और डाल दिया इधर स्नैक्स, मैं भी जोन में आ रहा हूं अभी, नहीं तो मैं जो ओपन में रुक गया, गाड़ी पकड़ो, मैं इसके ऊपर चढ़ू, मर गया टी1 में साइड, लास्ट बचा है अपने ऊपर है, पूरा नॉक एनिमीज है उधर उधर उधर, रुक जा रुक जा, नहीं शॉट्स आ रहे, शॉट्स आ रहे, गाड़ी फट जाएगी, मग्गी के पीछे रख, मग्गी के पीछे, मग्गी के पीछे यार, नहीं पड़ेगी, राइट ले थोड़ा राइट, हां बस बोला ना गुच्छे में ना, उसे देखो नहीं बट वो उधर शॉट्स आ रहे थे, वो उधर तो रिप से मार रहा ना, मैं वही तो कह रहा, ले नहीं है, ये ले ये ले ये ले ये ले, शॉट ड्रॉप किया इधर, तुम लोग अभी स्मोक बचा के रखना, अभी तुम लोग को देखो ये गलती हो गई हमारे से, हुआ क्या बोले तो सीन, अब इसमें मैं क्रेटोस सामने और लेफ्ट देख रहे, हमको लगा ट्रांस राइट में देख रहा, मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में हम लोग मर गए, लाइक मैं मर गया, बाद में हम लोग भी मर गए पूरे उनके नेड्स एंड ऑल से, पर सीन क्या हुआ बोले तो, अगर ट्रांस वार राइट में सर्वाइव मारता तो बंदे आ नहीं सकते, दो जगह का साइड हम लोग देखे जोन के एच पे, हम लोग लेफ्ट से देखेंगे, राइट देखेंगे और सामने स्ट्रेट देखेंगे, लेफ्ट और स्ट्रेट मैं क्रेटोस देख रहे थे, तो राइट एक बंदे को देखना था, तो ऐसी मिस्टेक्स ये ध्यान देना रहता गेम में। आप लोग जब भी कस्टम या कुछ भी खेलते इस तरीके से ही खेलो कि आपके बंदे जिस जगह फोकस दे रहे, बंदे मार रहे दो, लेकिन जिस जगह से आप एक्सपोज ले, लाइक जिस जगह से बंदे आने के चांसेस हैं उस साइड एक बंदे को छोड़ दो, अगर तीनों चारों बंदे एक ही गुच्छे में कवर में खेलेंगे ना, तो नेट्स एंड ऑल से मरने के चांसेस ज़्यादा है, तो एक बंदा जो ऑफ एंगल में रहता ना, लाइक जिस जगह से आप एक्सपोज हैं तो वहाँ एक छोड़ेंगे ना, तो भले ही उन पुश रोक नहीं पाया और कुछ भी, समझो उस पे चार बंदे चढ़ के मर गया, लेकिन एक अटेम्प्ट तो दे रहा हूँ ना, आपको टाइम दे रहा, आपको टाइम बाई कर रहा हूँ कि आप कुछ कर सके, आप नेट्स कर सके, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसे एंगल्स पे अपना एक बंदा छोड़ो, बाकी जो बंदे अपने मार रहे तो अपना एंगल देखने दो, ऐसा सीन हुआ यहाँ पे, हम लोग ये सिली मिस्टेक हमारे को बाहर ही पड़ गई, देखो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ मैं, जितने भी लोग आपको पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते लाइक करते, सो गाइस पीस आउट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन। Give me reason.
reasons to doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me.